कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। इसकी वजह पानी नहीं, बीज है। ऐसे ही मनुष्य सभी एक समान है, लेकिन उन पर संस्कारों का असर है। केवल ध्यान और साधना से ही पुराने संस्कारों को मिटाया जा सकता है। क्या विश्वास नहीं होता? विश्वास एक शब्द है, परंतु मुश्किल यह है कि लोग विश्वास पर ही शक करते हैं और अपने शक पर विश्वास कर लेते हैं। हमारी जो भी समस्या है, इसका दोषी संसार नहीं है, हमारा खुद का मन है। तो मन को कैसे साधें? स्कूल कॉलेज भले ही छूट गए, लेकिन परीक्षाएं तो अभी भी चल रही हैं। वो कभी समाप्त नहीं होने वाली, जिंदगी की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। जब ख्वाहिशों पर विराम लग जाए, वही मंजिल है। देखो, आधा सुनना चौथाई समझना और शून्य सोचना, लेकिन प्रतिक्रिया रिएक्शन दुगनी देना, ये तो निरंतर ही चल रहा है। दुनिया से बहस क्यों? हम अपनी गलतियों के वकील और दूसरों की गलतियों के जज बने बैठे हैं, इसीलिए फैसला नहीं फासले बढ़ रहे हैं। मुस्कुराहट कठिन वक्त की श्रेष्ठ प्रतिक्रिया है, और मौन खामोशी गलत प्रश्नों का बेहतरीन जवाब। यह समझने और अनुभव करने का इसी साल के अंत में, नए वर्ष में कदम डालने से पहले मुक्त और स्वस्थ रहने का उपाय सामने पड़ा है। बस आपने अपने लिए 3 दिन निकाले हैं। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। मौन रहकर, शांत होकर ध्यान में समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। मुझे तो लगता है, मुझे विश्वास है, मैं इन छुट्टियों का फायदा उठा रहा हूं। आप भी आइए, साथ में मिलकर मन मंथन करते हैं। क्या